प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इस बैटरी के ऊपर, मैं दो तारें इसके साथ सोल्डर की थी। जैसा आपने देखा था, इसको हम पावर सप्लाई के तौर पे यूज़ करते हैं। अब ये तो डिस्चार्जिंग हो गई, ठीक है जी। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कि हम बैटरी से करंट या पावर वापस ले लें और इसको इस्तेमाल कर लें और अपना काम चला लें। अब ये चूँकि चार्जेबल बैटरी है, तो एक बंदे हैं हमारे दोस्त ज़ियाउल्लाह खान साहब, उन्होंने कमेंट किया कि इसको चार्ज कैसे करते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तो उसमें बात नहीं की, लेकिन क्या है कि अब हम आपके सामने अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसको चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक है थोड़ा सा खर्चे वाला तरीका, बड़ा अच्छा तरीका, वो ये है कि आप इस तरह का चार्जर ले लें। ये चार्जर आप देखें ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है 18650, 18650 ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये टेक 4056, ये टी ई सी 4056 ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे आप देखें ना, टीपी 4056 ये आईसी है इसके अंदर, ये वाला इस कंट्रोलर है इसका, इसकी वजह से इसका टीपी 4056 इसका नाम है। तो ये 4.2 वोल्ट का चार्जर है, 0.8 एम्पेयर पे भी चार्ज करता है, 0.5 पे भी करता है, 0.3 पे भी करता है। प्रोग्रामेबल किस्म का चार्जर है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस के जरिए सिलेक्शन होती है, सही है। वो आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ इसके अंदर बैटरी लगानी है और इसके अंदर प्लग कर देनी है, तो आपका चार्जर काम शुरू कर देगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका एक और है, वो उससे भी सिंपल तरीका है, बगैर खर्चे वाला तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो ख़रीदना पड़ेगा, इसके ऊपर एक और वीडियो मेरी आएगी, वो पूरी इसकी तफसील होगी, सब मैं इसकी तफसील आपको दिखाऊंगा, उसमें इसके आईसी कंट्रोलर सब बात होगी, बड़ी टेक्निकली इसके ऊपर बात करेंगे। वो वीडियो तैयार है तो अपलोड कर लेंगे किसी टाइम। अच्छा, अब इसको प्लग करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी लीजिए, इसका ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी पहले। अच्छा, वो इसको यहाँ पर बैटरी को रखिए। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक ऐसा एंड्रॉयड वाला चार्जर होना चाहिए। ये एंड्रॉयड वाला चार्जर है, हर बंदे के पास होता है, एक एक नहीं 10-10 चार्जर होते हैं आजकल लोगों के पास, ठीक है जी। कोई भी चार्जर आप ले लें और इसको जो है तो बिजली में लगा लें इस तरीके पे, ठीक है जी। अब मैं इसको प्लग करने लगा हूँ, यहाँ पर इसको प्लग कर लीजिए। ये जो छोटा साइड है ये नीचे और बड़ा साइड ऊपर, ये जो पिन वाला साइड है ना, ये लॉक वाला, ये ऊपर, इस तरीके से करके इसको प्लग कर लीजिए इस तरह। अच्छा, ये बड़ी बेसिक बातें हैं वैसे। और अभी बैटरी का ये नेगेटिव जो है वो इधर, पॉजिटिव इधर अंदर की तरफ, पॉजिटिव सर्किट की तरफ या कंट्रोलर की तरफ, और नेगेटिव इस तरफ, इस तरह से इसमें प्लग कर लीजिए, ठीक है। जब आप प्लग करेंगे इस तरह से, तो देखिए ये एलईडी रेड वाली रोशन हो गई। अब ये रेड एलईडी रोशन है, ये करंट इस बैटरी को, जो ये चार्जर है इसको चार्ज करता रहेगा, ये कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा चार्जिंग को। जब ये 4.2 वोल्ट की हद तक इसके टर्मिनल वोल्टेज पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे ग्रीन एलईडी आई है, ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, ये रेड वाली ऑफ हो जाएगी, जो आपको चार्जिंग इंडिकेशन दिखाएगी, स्टेटस दिखाएगी कि ग्रीन का मतलब ये चार्जिंग फुल हो चुकी है इस बैटरी की। तो आप इसको आराम से फिर निकाल लेंगे और फिर इसको अलग करके अपना इस्तेमाल में लाएंगे। ये बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात जो कि इससे भी आसान तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि इस तरह की पावर सप्लाइयाँ, चार्जर, ये आपके घरों में बेशुमार होते हैं। जो पुराने नोकिया और ये वो मोबाइल हैं और सोनी एरिक्सन लोगों के पास आजकल ख़राब हो चुके हैं, तो उनकी पावर सप्लाई ऑलमोस्ट आपके पास सही ही होती हैं। तो वो एक पावर सप्लाई आप लेंगे इस तरह की, ये 5 वोल्ट होती हैं अमूमन। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट 0.65 एम्पेयर, तो इशारे 6 एम्पेयर की है और 5 वोल्ट, आधा एम्पेयर तकरीबन समझो इसको, ठीक है जी। और 5 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है। अब मैं इसको बिजली में सीधे सीधे प्लग करता हूँ। इसकी जो तार है ना, उसको आप काट लेंगे, जिस तरह ये मैंने इसके साथ दो तारें लगाई हुई हैं, ठीक है जी। दो तारें, तो हर तार तो इसमें से निकली होगी, आप उसको थोड़ा सा छील लेंगे तो दो तारें आपको इसमें से मिल जाएंगी, एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी। रेड पॉजिटिव है और ब्लैक जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह इसको बिजली में प्लग करेंगे, ठीक है जी। ये आसान और सस्ता तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, प्लग कर लेंगे। इसके बाद ये बैटरी का जो नेगेटिव है ना, इसको यहाँ नेगेटिव पर जोड़ लेंगे, और जो बैटरी का पॉजिटिव है इसको ये चार्जर के पॉजिटिव या रेड के ऊपर जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है जी। और इसको छोड़ देंगे, तो चंद घंटों बाद, 3-4 घंटों बाद ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर आप बेशक इसके यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज चेक करें, वो भी आप कर सकते हैं। एक तरीका है कि 4.2 वोल्ट तक पहुँच जाए तो उस वक्त ये चार्ज होगी। अभी हम इसको करते हैं, ठीक है जी। पहले इसके वोल्टेज देखते हैं, उसके बाद फिर इसका करंट भी चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए आपके पास आपका मल्टीमीटर, ठीक है जी, डीसी वोल्टेज पर कीजिए। ये समझो 3.8 वोल्ट दे रहा है, तो 3.95 वोल्ट ये दे रहा है। अच्छा, अब अगर ये जब फुल चार्ज हो जाएगा तो 4.2 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब इसका करंट चेक करते हैं। करंट चेक करने के लिए हमें ये बैटरी, इसका ये टर्मिनल उतार के ना, ये हर मल्टीमीटर में ऐसे ही होता है। अब 10 एम्पेयर, ये 10 एम्पेयर की रेंज है इसकी, ये वाली, ये 10 एम्पेयर की रेंज पे आप लगा लेंगे एक। दूसरा, इसकी नॉब को घुमा के ये 10 एम्पेयर डीसी पे ले आएंगे। उसके बाद
करना ये है कि कोई एक तार नेगेटिव या पॉजिटिव वो उतार के हम इधर ये रेड प्रॉब लगा लेते हैं, इधर ये ब्लैक प्रॉब लगा लेते हैं, ये दूसरी बैटरी वाली साइड। वैसे उल्टी भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें तो 0.69 यहाँ हमें रीडिंग आ रही है, 0.69 यानी 0.7 समझो, यानी एक एम्पेयर का ये तकरीबन आधे एम्पेयर से थोड़ा सा ऊपर है। 0.50 जो होता है वो आधा एम्पेयर होता है, ये 0.69-0.7 तक है, तो ये आधे एम्पेयर से कुछ ऊपर हमें मिल रहा है, ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके पर ये बैटरी चार्ज होगी। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर आप इसको बेशक यहाँ से उतार लें। ये सबसे सस्ता तरीन तरीका है जो कि ऑलमोस्ट फ्री है आपके लिए, ठीक है जी। चार्जिंग भी मैंने आपको बता दी, डिस्चार्जिंग का तरीका भी आपको पता लग गया। आराम से इस तरह की बैटरी खरीदिए, अपने इस्तेमाल में लाइए, अपने तजुर्बात को जारी रखिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थम्स अप जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखें सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में आपको एक घंटी का निशान मिलेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा घंटी को बजा लीजिए ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें। चैनल के साथ जुड़े रहिए।